जोगिंदरनगर के बैंड बाजा पार्टियों, शहनाई, ढोल नगाड़ा व अन्य वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकारों एवं बजंतरियों ने एक बार फिर से जिला परिषद सदस्य कुशाल भारद्वाज के नेतृत्व में SDM से मिलकर उनको मांगों संबंधी ज्ञापन सौंपा। जिला परिषद सदस्य कुशाल भारद्वाज ने कहा, जब सरकार ने बसें चलानी शुरू कर दी हैं, सभी दफ्तर खोल दिए हैं, बाजार खोल दिए हैं, तो फिर शादियों में 20 लोगों के साथ 5 बाजे वाले भी जुड़ जाएंगे तो क्या आफत होगी। मंत्रियों व विधायकों के दौरों में यदि 100 से ज्यादा की भीड़ जुटाकर बैंड बाजा बज सकता है तो शादी में 20 लोगों के साथ ही 5-7 बैंड बाजे वालों को परमिशन देने में कहां समस्या है। उन्होंने कहा, पिछले साल लॉकडाउन के बाद से बैंड पार्टियों व अन्य वाद्य यंत्रों के बजंतरियों को भारी आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा है। जोगिंदरनगर के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो अपने आप में समृद्ध कलाकार हैं। सैकड़ों कलाकार बैंड बाजा बजाकर, शहनाई बजाकर या फिर ढोल नगाड़े आदि बजाकर न केवल विवाह शादियों, समारोहों, तीज त्योहारों व अन्य कई कार्यक्रमों में 4 चांद लगाते हुए लोगों का मनोरंजन करते हैं और इससे अपनी आजीविका चलाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद से ही इनका काम धंधा बंद पड़ा है। इसलिए सरकार को चाहिए शादी समारोहों में बैंड बाजा और अन्य वाद्य यंत्रों को बजाने की इजाजत दे ताकि इन परिवारों का रोजगार चलता रहे। जोगिंदरनगर के विभिन्न क्षेत्र में जो बैंड बाजा बजाने वाले जो लोग हैं और जो वाद्य यंत्र बजाने वाले जो भी कलाकार हैं, उनका एक डेलीगेशन आज फिर से जो है सीएम साहब से मिला। कुछ दिन पहले भी डेलीगेशन मिला था और हमने जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा था। आज SDM साहब से हमने दोबारा अनुरोध किया कि DC साहब से बात करें और सरकार से फिर बात करें, क्योंकि लगभग 1.5 साल हो गया, रोजगार पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बार बार जब शादियों का सीजन आता है उसी वक्त पाबंदियाँ लग जाती हैं, जिस कारण से जो है एक ही तरह का रोजगार इन लोगों के पास है, जमीन इनके पास नहीं है, कोई और आय के साधन नहीं है। यही है कि कहीं ब्याह शादी किसी फंक्शन में जो है बैंड बाजा या वाद्य यंत्र जा करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं और अपने परिवार को पालते हैं। आज हमने फिर ये मांग की है कि जब सब कुछ खोल दिया गया है, बसें चला दी गई हैं, बसों में 50% कैपेसिटी के साथ उनको चलाने की आप अनुमति दे रहे हैं, हालांकि वो कई जगह खुल भी हो रही है बसें, मंत्रियों का कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग की जो है पालना नहीं हो रही है, उसमें जो है अनगिनत लोग आते हैं, वहाँ पर बैंड बाजे के साथ स्वागत होता है और जहाँ पर लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ वहाँ पर जो है उसकी अनुमति दी जा रही है। तो सरकार से हमारा अनुरोध है, यही बात करें हम SDM साहब के पास आए थे कि एक बार फिर से जो है सरकार को हमारा ये जो निवेदन है, खासकर जो बैंड बाजा पार्टी के जो लोग हैं या जो दूसरे वाद्य यंत्र जाते हैं उनकी तरफ से, कि अभी 18 और 19 तारीख से जो है शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, तो ये अनुमति जो है जल्दी से जल्दी दी जाए ताकि लोगों का जो रोजगार है कुछ वो कमा सकें, तब वो अपने परिवार को चला पाएंगे, नहीं तो बच्चों के स्कूल लगने वाले शुरू होने वाले हैं और फीस देने के लिए पैसे नहीं है, राशन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, कोई सहायता सरकार ने नहीं की है बिल्कुल भी। जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, काम धंधा खत्म हो गया है, कोई एक पैसे का राशन के तौर पर भी सहायता सरकार ने नहीं की है। सरकार ने नहीं पूछा है कि आपके बच्चों की फीस के पैसे आपके पास हैं कि नहीं है, तो जब इस बात की चिंता सरकार को नहीं है तो कम से कम वो जो लोग जो अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाते हैं उसकी अनुमति तो मिलनी चाहिए, यही कहने जो हम यहाँ पर आए हैं। हिमाचल दस्तक वेब TV के लिए जोगिंदरनगर से अमित सूद।